हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे जो कि 10.2 का है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक प्रूव करना है जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल के बाहर सर्कमस्क्राइबिंग है, बना हुआ है, जो कि रोम्बस को, उसी को रोम्बस प्रूव करना। तो आइए बनाते हैं। पहले देख लेते हैं रोम्बस में क्या क्या होता है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है और डायगोनल अनइक्वल होता है, डायगोनल अनइक्वल होता है, ठीक। और हमको यही प्रूव करना था। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड अल्सो पैरेलल भी होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक। और अगर देखिए सर्कल का 10.2 में एक थ्योरम था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट खींचा गया तो वो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, यानी कि ये अगर एक्स है तो ये एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, ठीक। तो आइए करते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो इसको लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ए एच, ठीक। ई बी इक्वल टू बी जी, सॉरी ई बी इक्वल टू बी जी, ई बी इक्वल टू बी जी और जी सी इक्वल टू सी एफ, जी सी इक्वल टू सी एफ और एफ डी इक्वल टू डी एच, एफ डी इक्वल टू डी एच लिख सकते हैं इतना। और आगे देखिए, अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसको जोड़ के इसके बराबर करेंगे तो बराबर होगा, ठीक। जैसे ए ई एड ई बी एड जी सी एड एफ डी, ये हो जाएगा इसके बराबर, इन सबों के सम के बराबर ए एच प्लस बी जी प्लस सी एफ प्लस डी एच, ठीक। अब देखिए ए ई और ई बी के जगह लिख सकते हैं ए बी, ए ई और ई बी के जगह डायरेक्ट ए बी लिख सकते हैं, दोनों का लेंथ सेम है, तो इन दोनों के जगह हम ए बी लिख देंगे प्लस। देखिए जी सी है और एफ डी है, जी सी का लेंथ कितना है जेड और एफ डी, सॉरी एफ डी, हाँ एफ डी का लेंथ कितना है क्यू, और जेड और क्यू किसका लेंथ है, क्यू यहाँ से यहाँ तक तो है ही लेकिन जेड यहाँ से, तो इसके जगह लिख सकते हैं डी सी। देखिए फिर से समझिए, जी सी का लेंथ है एफ, जी सी का लेंथ है एफ और एफ डी का लेंथ है क्यू, और एफ क्यू दोनों मिला के लेंथ होता है इसका डी सी का, सॉरी जेड है, जेड ये जेड था, जी सी का लेंथ जेड है और एफ डी का क्यू है, तो जेड क्यू दोनों टोटल मिला के किसका लेंथ होता है, जेड क्यू डी सी का, तो इसके जगह डी सी लिख देंगे। उसी तरह ए एच प्लस बी जी, ए एच प्लस बी जी ये कितना है, ए एच का डिस्टेंस है, ए एच सॉरी ए एच और डी एच देखते, ए एच और डी एच इन दोनों के जगह लिख सकते हैं हम ए डी, ए डी प्लस बी जी प्लस सी एफ के जगह बी जी का डिस्टेंस कितना है y प्लस सी एफ, सी एफ के जगह z और y z कितना, किसका डिस्टेंस है y और z
BC का डिस्टेंस है, तो इसके जगह लिख देंगे BC। ठीक, BC लिख दिए। अब देखिए AB का AB रहने दीजिए, DC ये DC किसके बराबर है, AB के बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेलल साइड इक्वल एन अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है। ठीक, तो DC के जगह हम AB लिख सकते हैं। इक्वल टू यहाँ भी AD है, प्लस BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ BC के जगह AD लिख सकते हैं, AD। तो यहाँ आ गया 2AB इक्वल टू 2AD। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, AB बराबर AD, AB बराबर AD आ गया। हमको पहले से पता क्या था, AB बराबर हम, क्योंकि पहले पैरेललोग्राम था, तो AB बराबर DC हमको पहले से पता था, DC हमको पहले से पता था। और BC बराबर AD हमको पहले से पता था। ठीक, अब देखिए AB का AB रहने दे, AB के जगह हम AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। AD AB के जगह, एक सेकेंड, AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD, AD के जगह AB के जगह AD लिख सकते हैं, AB के जगह AD लिख सकते हैं, इक्वल टू DC आ गया, AD इक्वल टू DC आ गया फर्स्ट। और देखिए AD के जगह हम AB लिख सकते हैं, यानी कि BC इक्वल टू AB आ गया सेकेंड। अब आप देख सकते हैं AB इक्वल टू DC दिया हुआ है। ठीक, BC इक्वल टू AD भी है, और AD इक्वल टू DC भी है, AD इक्वल टू DC इसके बराबर है, और BC इक्वल टू AB इसके बराबर है। तो इन चारों को सेकेंड हो गया, थर्ड ई फोर्थ, इन चारों से ये हम प्रूव कर दिए कि ये पैरेलल है, पैथ रोम्बस है। तो हिंस वी आर प्रूव दैट एवं इट इज ए रोम बस, ऐसे ही बनेगा। आप फिर से देख सकते हैं AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू DC है, ये इसके बराबर हो गया, BC इक्वल टू AD है, BC इक्वल टू AD है। ठीक, AD इक्वल टू DC आ गया, AD इक्वल टू DC आ गया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। यहाँ देख सकते हैं BC इक्वल टू AB। तो इसी तरह प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।